नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑटो कैड में आप कोई भी ड्राइंग का पीडीएफ कैसे बना सकते हैं। बहुत ही आसान है ये, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास एक पेज पे बहुत सारे लोग बहुत कुछ ड्राइंग करते हैं छोटे छोटा पार्ट में, और कहीं पे केवल सिर्फ एक ही ड्राइंग होता है। तो यहाँ पे मेरा मेन ड्राइंग ये है, देख सकते हैं। मैं सिर्फ इसका पीडीएफ बनाने के लिए बताऊंगा आपको। अगर इसका पीडीएफ बनाने का ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आते हैं एक्सपोर्ट में जाके, और यहाँ पे अगर हम पीडीएफ करते हैं तो वो क्या होगा, पूरे जितने भी पेज में जितने भी कंटेंट हैं जितने भी ऑब्जेक्ट है सभी का वो पीडीएफ बनाएगा। और जब पीडीएफ बनेगा तो वो बिल्कुल कोई भी इन्फॉर्मेशन सही से दिखाई नहीं देगा। मैं दिखा देता हूँ आपको पहले। तो यहाँ पर आके मैं डेस्कटॉप पर 789 के नाम से एक फ़ाइल बनाता हूँ पीडीएफ का। तो ये हमें डेस्कटॉप पे आ चुका है, ये देख सकते हैं दूसरे स्क्रीन पे था ये। अब मैं इसे खोल के दिखाता हूँ आपको। तो देख सकते हैं ये हमारा फाइल बना 789.pdf के नाम से, और ये पूरा A4 पेज में यहाँ पे एक छोटा सा ड्राइंग सिर्फ आया। देख सकते हैं ये 500% मैं इसे जूम कर चुका हूँ, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन पूरा सही से नहीं है। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा पूरे पेज का जितना भी है सभी का वो पीडीएफ बनाता है, ठीक है। तो एक दूसरा तरीका है, जैसे हम कोई किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं या कोई सा भी यहाँ पे ड्राइंग है उसे हम प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट के माध्यम से हम इसे कैसे पीडीएफ बनाएंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे आते हैं हम, प्रिंट में जाते हैं, ठीक है। प्रिंट में जाने के बाद यहाँ पर आ गया ये ऑप्शन, यहाँ पर आपको प्रिंटर या प्लॉटर के जगह में यहाँ पर आपको लेना है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे व्हाट टू प्लॉट। व्हाट टू प्लॉट यानी कि आपको प्रिंट क्या करना है। प्लॉट यानी प्लॉटर होता है, बड़ा साइज का प्रिंटर होता है उसमें प्रिंट होता है तो उसे प्लॉटर कहते हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है व्हाट टू प्लॉट। तो प्लॉट हमें जो डिस्प्ले जो दिख रहा है वो करना है या फिर कुछ और करना है, तो यहाँ पर हमें लेना है विंडो, ठीक है। विंडो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिलेक्शन का ऑप्शन दे देगा कि कौन सा विंडो आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से आपको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इतना ही जो भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ बस उतना ही का वो प्रिंट बनाएगा। तो ये आ गया हमारा विंडो। यहाँ पे अगर दोबारा से सेलेक्ट करना है तो फिर से यहाँ पे विंडो पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, प्रीव्यू करना है आपको। प्रीव्यू करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है सब चीज़, ठीक है। बस यहाँ पे कुछ नहीं करना, राइट क्लिक करना है और प्लॉट कर देना है। अब ये माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ हमारा सेलेक्ट था, तो अब ये पूछ रहा है कहाँ पे रखना है पीडीएफ फाइल का लोकेशन। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे रखता हूँ, डेस्कटॉप पे मैं लिख देता हूँ फाइनल 789। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा। मैं इसे करता हूँ मिनिमाइज़, और यहाँ से मैं उठा के लाता हूँ इस वाले डेस्कटॉप पर। यहाँ पे देखिए फाइनल 8789 आ गया। डबल क्लिक करके मैं दिखाता हूँ आपको ये किस तरह का फाइल बना हमारा। तो देख सकते हैं ये बिल्कुल कलरफुल और सही साइज़ में आया। मैं इसे जूम भी करूँगा तो भी ये सही तरीके से हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन ऑटो कैड के बारे में आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।